सबसे पहले पोलो ये हमारे सारे पोलो 10 इसलिए हम सोचा सर आज के मौके को गनीमत समझ के आपसे मिले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सर हम यहाँ का एक खेल ही नहीं बल्कि लद्दाख का एक कल्चर को हमने संभाल के रखा है और खासकर द्राज जैसे इलाके में ऐसी गेमों को और रिवाइव करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि इसमें होलियाल से लेकर हमारे पास 10 टीमें हैं सर। तो हम चाहते हैं सर इनिशियली आपकी तरफ से कुछ हमें सपोर्ट्स हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने LG साहब ने भी हमें एश्योरेंस दिया है कि हमें सपोर्ट्स करेंगे, क्योंकि इस घोड़े का गेम को पालना और इसको चलाना अपने आप में बहुत कठिन है सर। आज से ही हमने शुरू किया, मई तक हमने घोड़ों को सिर्फ पाल कर रखना है और समर में भी हम यहाँ रख नहीं सकते पहाड़ों में छोड़। हम चाहते हैं सर इनिशियली आपकी तरफ से कोई इक्विपमेंट का, यूनिफॉर्म का, हमारे जो 12 टीमें हैं यहाँ द्रास में उनके लिए आपका सपोर्ट हो जाए तो कुछ न कुछ हम कर सकते हैं सर। और इक्विपमेंट में क्या क्या चाहिए उसका एक लिस्ट बना के मेरे नाम पे एक दरखास्त है, ठीक है आज शाम तक। ठीक है। और बताओ साथी आपका बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर द्रास के बारे में भी दो चीज जरूर बताएं सर। एक जो हमारे ये बोटोकुल नाला है ना सर, ये नाला है ना सर मुश्कु वेली का, यहाँ से गुरेज रोड बहुत जरूरी है सर। इस बार हम फेस्टिवल में गए बट हम बहुत घूम के जाते हैं इस पे। हाँ सर, इस पे इनिशियली अगर आप परमिशन पे ही छोड़ देना सर, क्योंकि इससे पहले गुरेज में परमिशन पे छोड़ते थे, लोकल्स को ही परमिशन में छोड़ दें तो आप 14 करोड़ से इसके बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू जी, आपको हम वो शुक्रिया। आपको पता है कि हमारे यहाँ किडनी प्रॉब्लम जगह लेना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट है जिसको नगर से आना होगा, जम्मू से आना होगा, बड़ी दिक्कत होती है सर। और हमारा सब डिवीजन जो हमारा ये हॉस्पिटल है सर, समर में तो यहाँ पर होते हैं सर NRHM के थ्रू डॉक्टर्स, और विंटर में सर सारे डॉक्टर रिजाइन देकर चले जाते हैं और यहाँ सारे पोस्ट भी करने सर, इस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। टोटल 26 पॉइंट है जी सर, एक करके मैं देखूंगा इसमें ना टनल में कल सुबह जा रहा और उधर टनल भी देखना है अलग से साइड में, ऑफिस में मीटिंग भी रखा है SDM साहब ने उनको बता दिया, उसमें आपका लेबर का मसला है, आपका गार्ड का मसला है, वो सारा मैं कल उधर बात करके सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। ठीक है, engagement of skill and unskilled labor with your provision of fund for the development of the RAS will boost the development take the maximum allowance of skilled labor and condition of the works of the project. ठीक है, इसको मैं कल उधर लेके जाके उधर ही सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन डायरेक्शन अब्दुल वहीद आवाज योजना काउंसलर ने नहीं दिया, नहीं काउंसलर के पास इसका काफी फंडिंग रखा है हमने। चलो मैं इसको चिट्ठी लिखता हूँ, मोबाइल नंबर लिखता हूँ, मोबाइल नंबर दे दे, मोबाइल नंबर लिख लो, नहीं तो कहाँ बंदा ढूंढते रहेगा। या नेक्स्ट उसका दो बीडी से सबसे पहले तो मैं जयचंद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने द्रास का विजिट किया। पहले कोविड में भी एक बार आपने यहाँ पे रास्ते से आते आते एक विजिट किया था सर, तो इसके अलावा आपने जो आज का विजिट किया सर, ये पूरी फील्ड में जाने का आपका थैंक्स करते हैं सर। आप हर जगह में जाके आए और आगे भी दो विलेज में आपको जाना है सर। तो मैं सर थोड़ा ब्रीफली आपको, मेरे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है सर, 6 पॉइंट्स में मुश्तमिल मेरा एक मेमोरेंडम आपको मैंने पेश किया है सर। इसमें टूरिज्म के रिलेटेड है सर, को द्रास को तो सर हर वक्त हमने जब से UT बनी है सर काफी बार हमने कोशिश किया कि द्रास को प्रमोट किया जाए, टूरिज्म के रिलेटेड इसको टूरिज्म में डाला जाए, अभी तक इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया सर। तो इसमें हम आपसे ये कहना चाहते हैं सर कि हमारा जो इलाका आपने बार बार पार्लियामेंट में भी उठाया, जैसे अमीन सर ने आपको बोला सर, तो इसी तरह जो सर काफी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आर्मी का थोड़ा हमें ये सर आर्मी का रुकावट ज्यादा बन रहा है, तो इसके रिलेटेड काफी ऐसी जगह सर जो स्विट्जरलैंड की तरफ खूबसूरत है, बोटोकुलन नाला है, हमारा यहाँ पत्थर का एरिया है, मनमन टॉप है और भी बहुत सारे एरियाज हैं सर, इसको काफी
हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है सर आपके थ्रू, जैसे कि हमारी गाड़ियों को भी काफी प्रॉब्लम्स होती है कहीं बाहर जाने, लद्दाख के साथ ये कोलोब्रेशन में काम न करने का, इसलिए सर यहाँ जैसे हम अगर गुरेज द्रास फोटोकुलन का एरिया खोलते हैं तो कम से कम एक टूरिस्ट को दिन का टाइम लगता है और अच्छा खासा हर कोई कमा सकते हैं पूरी द्रास के एरिया के लोग। तो सर ये हमारा एक पहला पॉइंट है। तो और भी इसमें हमें सर पार्क्स बनाने की जरूरत है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड ट्यूलिप जो है गार्डन्स बना सकते हैं, चिल्ड्रन पार्क्स बना सकते हैं, बहुत सारे रिलेटेड मैंने आपको लिखा भी है सर। तो इसके बाद नेक्स्ट में सर जोजिला टनल की बात, अभी जो एक हमारा एसोसिएशन का एक बंदा आया हुआ था सर, इसमें मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है सर लोगों का सोर्स आर्मी के साथ कंसर्न था, तो अब आर्मी से जो है सर ज्यादा लोगों को नहीं लिया जाता है, चाहे वो आर्मी पोस्ट वगैरह में, तो अब लोग जो है सर ज्यादा दिन ब दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो सर हमारा जो है एक टनल का एक सोर्स हमारे लिए खुला है, आपके माध्यम से खुला है, इसलिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ सर इसमें कि आपके माध्यम से खुला है। तो मगर हमारा इन्वायरमेंट हमारा खराब हो रहा है सर, एरिया हमारा है सर, मगर वहाँ पर लाकर कश्मीरियों को रखा गया है, ये बड़ी दुख की बात है सर। इसमें आपको मेन इनिशिएटिव लेने की जरूरत है क्योंकि हमारे द्रास की बेरोजगारी को कम किया जा सके। इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ सर, टनल का दौरा 2-3 बार मैंने भी किया था, तो उसमें सर मुझे ये लगा कि वहाँ से सर पहले जो यहाँ एक अंसारी हुआ करता था जो पूरी टनल का एरिया चलाता था, अब एक कश्मीरी लाया हुआ सर, कश्मीरी जो है वो ज्यादा चमचगिरी करके कश्मीरियों को इस साइड में लाने की कोशिश कर रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हमें वही अंसारी वापस लाया जाए, हमें सर एक कहाँ से जहाँ से भी लाया जाए बाहर से ही हमारा बंदा चाहिए, कश्मीर का हमें बंदा नहीं चाहिए सर, उसमें बैठने के लिए तो हमें बाहर से बंदा होना चाहिए सर, वहाँ पर जो टनल में काम कर रहा है, वो बच्चों को भी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और सर पहले 2 साल में इतना अच्छे तरीके से टनल का काम भी हुआ, जब अंसारी काम कराता था तो उधर कोई इशू नहीं आया था, अब सर ज्यादा इशू आ रहा है, चाहे वो काम करने में या इन्वायरमेंट बढ़ाने में या हमारी जो आज रोजगारी बढ़ाने में, तो वहां से एक शर्ट बना हुआ है उसके लोगों को भी नीचे लाए हो। तो सर हम चाहते हैं कि वहां और भी बंदों को कश्मीर से लाकर काम कराया जा रहा है द्रास के एरिया में, तो सर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को वहां इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद एक यही कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू कुछ बंदे रखे हुए हैं सर, उनको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो एक गरीब आदमी जिसको 4 महीने से सैलरी नहीं है तो उसके घर की हालत क्या होगी सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं सर उनको डायरेक्ट टनल में लिया जाए, किसी एसोसिएशन या कॉन्ट्रेक्टर के अंडर में ना रखा जाए, हमारी यही डिमांड है सर। ये वाली मैंने एक डिमांड थी सर। इसके अलावा सर अलॉटमेंट एंड डेवलपमेंट फंड सर, हमारा द्रास जो है सर पूरा बॉर्डर एरिया में है, यहाँ सर बॉर्डर डेवलपमेंट फंड बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है सर, क्योंकि हमारे यहाँ बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पर ना कोई स्कूल बना है, ना कोई एरिया ऐसे जहाँ फेंसिंग वगैरह हो या कोई ऐसा मॉडर्न जो एरिया हो जिसमें बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पर कुछ बना हो, ऐसा कुछ नहीं बना है सर। तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के नाम पर यहाँ बहुत सारी चीजें बननी चाहिए सर। और सर ALC सर्टिफिकेट का जो इशू है सर, हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, तो हमारे लोगों को यहाँ पर वार्डो में सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे सर, तो इसका कोठा भी आगे खत्म किया गया है सर, इसके बारे में आपको काम करने की जरूरत है। तो हमारा जो है सर द्रास गुरेज रोड का जो बार बार हमारी डिमांड सर ये बनती जा रही है, तो द्रास गुरेज रोड में हमारी 2 कौमें भी मिलेंगी सर, और हमारा रोड जो है सर वो थ्रू आउट हो जाए सर, ये एक बात है सर। इसके अलावा सर ये हमारे होलियाल में भी नेटवर्क की अथाह जरूरत है सर, पूरे गांव में आपके माध्यम से नेटवर्क के सगे हैं, तो होलियाल का जो एरिया है हमने सेंक्शन कर दिया, सर्वे हो गया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक यू सर। टोटल पूरे लद्दाख में नया 240 मोबाइल टावर सेंक्शन हुआ है, इसमें से 123 पूरे करगिल का है, जानकार को छोड़ के पूरे करगिल का 123 है, उसमें से आपका होलियाल भी है, पूरे द्रास में 10 है, और द्रास का पूरा सर्वे भी हो चुका है, उसका जमीन का कागज वो भी सारा हमने करके दिया है, और वो सर्दी में तो काम नहीं कर पाएंगे, आप सब जानते हैं, जैसे सर्दी खत्म होगा तो इसके काम भी शुरू करेंगे, तो पूरा द्रास जो है डिजिटल इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है। और सर ये वाइल्ड लाइफ का इशू सर हमारे पास ज्यादा बन रहा है सर, वाइल्ड लाइफ हमारे पास ब्राउन बियर का सर काफी सोर्स है, ब्राउन बियर चल रहे हैं, लोग आके उसका जो है सर देख के मजे लेके निकल रहे हैं, मगर यहाँ के लोगों को कोई उसका फायदा बिल्कुल वगैरह नहीं मिल रहा है, उसका बेनिफिट कैसे मिल रहा है? बेनिफिट में होम स्टेस है सर, जिसका हमें जो है आपके CCF साहब ने एक हमें जो है सर इंश्योर किया था, हमारी पंचायत को इंश्योर किया था, एज ए BDC मुझे इंश्योर किया था कि हम आपको होम स्टे देंगे, आप ट्रायल बेस में होलियाल मुश्कू मुरादबा को एक
साइट बना के हम लोग आपको होम स्टे देंगे और 12 होम स्टे का सेंक्शन किया था सर। बदकिस्मती की बात है सर, ये मैं आज आपके सामने इसलिए बोलता हूँ, ये सर होम स्टे हमारे पास आया हुआ था, करगिल में भी पूछा हुआ था हमने एज ए पंचायत सरपंच से जो है ग्राम सभा करके उसकी लिस्ट ली थी, तो कौंसल ने सर उस लिस्ट को रिजेक्ट किया है। ये बड़ी बात है सर हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद हमें 20 और होम स्टे आने वाले थे। हम पंचायत ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं, मगर हम इसमें हमेशा नाकाम हो रहे हैं। जैसे पंचायत सर, ये होम स्टे हमारा बहाल होना चाहिए सर, जो हमने 12 अभी हमने लिस्ट दिए वो जल्दी बहाल होने चाहिए सर। उसके अलावा और भी होम स्टे मिलने चाहिए सर, और भी पार्कस वगैरह और भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो उनकी तरफ से वाइल्ड लाइफ की तरफ से मिल रहा है। आप मुश्कू और होलाल का दौरा करेंगे वहाँ 10-10 पहले लगे हैं, और भी हमें ऐसे स्ट्रीट लाइट्स बाकी ऐसे विलेजेस में भी मिले ताकि जब बालू आता है तो रोशनी कम से कम लोगों को मिले। और कंसेंटेना वायरस जो हमें पिछली बार दिए थे पंचायत लेवल में सरपंच जिसके अंडर में, और भी कंसेंटेना वायरस मिले ताकि हम बालू का जो अपना जहाँ गाय बकरी वगैरह रखते हैं उस जगह की हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज, एक नेशनल स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है, मैं अपने पंचायत को जहाँ तक इसको समझाना चाहता हूँ, मैं समझ जाता भी हूँ और लोगों के पास मैं गया भी हूँ और हर विलेज के एसआर और गैलरी तक मैं पूछा भी हूँ, मेरा जहाँ तक एरिया आता है। तो सर आप इसमें पब्लिक को भी काफी बार समझाए, मगर पब्लिक इतनी जल्दी समझने वाली नहीं है, ये समझेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना खूबसूरत स्कीम बनाया है, इसका तो आपको आपको मॉडल दिखाऊंगा हमारे विलेज में आप चलेंगे तो। मगर सर इसको आप हमारे पास पानी का पूरा FHTC लगभग कम्प्लीट हो चुका है, आप कहीं जगहों में पानी चल रहा है जैसे मुश्कू फलियाल एरियाज में चल रहा है, और यहाँ पर -14 अभी हुआ है, -40 तक जाता है। तो इस एरियाज में ज्यादातर जो है वो पानी हमारे पास, एक तो प्रेशर उसका कम नहीं हुआ, प्रेशर ज्यादा है पानी का आप देखोगे तो। उसके बाद जो हमें 100 फीस पिट्स बनानी थी जो रूरल डिपार्टमेंट और JJM के थ्रू था सर, ये एक साल तो लड़ाई करते रहे कि रूरल डिपार्टमेंट बोलता रहा कि हम जो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हम बाथरूम और जो है हमारा किचन सिंक का पानी को ऐड करते हैं, तो उस 2000 में हमें जो है वो पिट JJM का जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है सर, इसके लिए अलग से एक पिट की जरूरत है। ये हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे डिमांड किया था, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हमारी बात समझे नहीं, मगर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाना चाहते हैं सर कि जो पानी ग्रे वाटर में हमने 2000 का पिट बनाया वो हमारा किचन और वही किचन सिंक और बाथरूम का पानी ही ले सकता है, उसके अलावा हमारा वो ग्रे वाटर पानी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता है। उसके लिए हमें अलग से JJM का पानी के लिए एक पिट की जरूरत थी सर, जिसको हमने बार बार बताया था और मैं आपको भी बताना चाहूंगा सर। बाकी पूरे जगहों में काम हुआ है, बहुत ऐसी जगह है सर जहाँ से हमारा गोशन वाला एरिया है वहाँ पे बार बार फट रहा है, वहाँ पे बार बार लीकेजेस है, वो सारा अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अगले साल तक वो लगभग ठीक हो जाएगा। कहीं जगहों में प्रेशर बहुत ज्यादा, और बेरस का की बात करूंगा सर, वहाँ पर तो जो सोर्स हमने पहले देखा था उसमें पानी कम था, उसके बाद सेकंड सोर्स का आपने ये कराया और वो सोर्स से पानी लाया गया, अभी भी उसमें पानी कम हो रहा है, तो उसकी तो हम बात अलग से करेंगे। तो इन चीजों में और भी काम करने की जरूरत है, JJM हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल है, मगर इस पे सर 2024 तक मुकम्मल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराने की जरूरत है। कई जगहों में कॉन्ट्रैक्टर का काम सही नहीं है, उस पर हम पंचायत लेवल पे आपसे बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। यस जी, शुक्रिया।